नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, 53 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित तो 3 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 21,58,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी बढ़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 1,25,000 के पार तो अब तक 3,720 लोगों की हुई मौत, वहीं 51,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों पर जारी की डॉक्यूमेंट्री, वीडियो में मजदूरों ने अपना दर्द किया बयां, कहा पिछले 2 महीने से घर से मंगवा रहे हैं पैसे, सरकार से नहीं मिली 1 रुपए की भी मदद। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6500 के पार, वहीं 155 लोगों ने गंवाई जान तो अब तक 3692 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। चूरू राजगढ़ के थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने की आत्महत्या, क्वार्टर में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर, कई नेताओं और अफसरों ने जताया शोक तो कई नेताओं ने की जांच की मांग।